अंजलि से बीच बड़ी खबर, प्रदेश में मरीजों की परेशानियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आज से रेजिडेंट्स का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स यानी कि जार्ड की जीबीएम में ये फैसला लिया गया है। प्रदेश में रेजिडेंट्स के लिए बनाई गई है बॉन्ड नीति की विसंगति, लेकिन योग्यता की विपरीत पदों पर रेजिडेंट्स की नियुक्ति और रेजिडेंट्स के साथ पूर्व में हुए समझौते को अक्षरशः लागू करने समेत समस्त विभिन्न मांगे जिन्हें आंदोलन की वजह से अब समझा जा रहा है, क्योंकि आंदोलनरत राह पर रेजिडेंट्स चल रहे हैं। आंदोलन की राह पर रेजिडेंट्स 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, 2 दिन तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध जताने के बाद यह अहम फैसला लिया गया। एसएमएस समेत सभी अस्पतालों में आज सुबह 9 से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार का यह फैसला है। लेकिन देखिए, परेशानियां मरीजों को तो यकीनन होंगी, दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं यथावत रखी गई है, लेकिन कुछ परेशानियां उन मरीजों को जो कि लगातार, क्योंकि देखिए बारिश के बाद फिलहाल जो मौसम है ये मौसमी बीमारियों का मौसम है। इसमें कई ऐसी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम से जुड़ी हुई चीजें ही, और जो मौसमी बीमारियां इतनी बढ़ी है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं प्रदेश का बड़ा अस्पताल, लेकिन वहां रेजिडेंट्स अगर अपने आंदोलन पर चल रहे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है तो यकीनन प्रभाव तो यहां पड़ेगा ही। लेकिन इसके लिए कुछ बदलाव, इमरजेंसी और आईसीयू की सेवाएं जिनकी जानकारी यथावत हो रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आज से रेजिडेंट्स के 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स की ओर से फैसला लिया गया है। प्रदेश में रेजिडेंट्स के लिए बॉन्ड की विसंगति और तमाम जो बातें हैं वो इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। पूरी जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विकास, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार और मरीजों को समस्याएं से हो सकती है, क्या व्यवस्थाएं इसके लिए की गई है और क्या अतिरिक्त जानकारी? देखिए, जो रेजिडेंट है एसएमएस रेजिडेंट है, पिछले 2 दिन से सांकेतिक काली पट्टी बांध में काम कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर विभिन्न मांगे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो इनसे जो पीजी कराने के लिए जो बॉन्ड भराया जाता है, उस बॉन्ड की जो विसंगतियां हैं उस विसंगति को दूर करने के साथ में जो योग्य चिकित्सा रखते हैं उन शिक्षकों को उनके हिसाब से उनको पोस्टिंग दी जाए, इन 2 मांगों समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर रेजिडेंट चल रहे हैं। और उन्होंने 2 दिन तक सांकेतिक काली पट्टी बांध के विरोध करने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो आज से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार रहेगा, जिसमें कि मरीजों की दिक्कतें बढ़ना तय है। हालांकि अभी मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए इन्होंने इमरजेंसी और जो आईसीयू सेवाएं हैं उसमें किसी भी तरह का कोई हड़ताल की घोषणा नहीं करी है, लेकिन ओपीडी आईपीडी में जरूर व्यवस्थाएं जो है शर्माने की स्थिति पैदा हुई है। जी चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।